ayo si Pipe, ayo re, ayo re, ayo Joke Studio. वैसे कड़क सिंह के नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, पूरे वर्ल्ड में अपने को जानते ऐसा तो नहीं कहूंगा। हाँ मगर खैर, इंट्रोडक्शन कोई खास नहीं अपना। पिताजी चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं, अपन तीन बार गए पुलिस स्टेशन वर्दी मांगने। खैर अपन ने अपने खुद के हिसाब से अपनी वर्दी खुद ही सिल ली है। नाम बहुत सिंपल है, सीना है अपना 22, जोर से फुला दूं तो कहीं। हाँ और कमर तो उतनी जितनी रस के कमर। और नजर, नजर तो अपनी चील की भांति है, चील की लेफ्ट साइड वाली। तो भाई शुरू हो गई है कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस, तो आप बेहिचक मदद ले सकते हैं। जब जब भी मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगा। ए दूर दूर, तबार मैं अबार चालू, मैं अबार निकलू, देखा है दूर। पूरा एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च कीजिए रेडियो सिटी जोक स्टूडियो राजस्थान और हंसते हंसते सुनते रहिए रेडियो सिटी पे, आयो रे आयो रे आयो जोक स्टूडियो। कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। वैसे कड़क सिंह के नाम से आप सब लोग परिचित होंगे, पूरे वर्ल्ड में अपने को जानते ऐसा तो नहीं कहूंगा। हाँ मगर पब्लिक पहचानती है यूं। खैर इंट्रोडक्शन कोई खास नहीं अपना। पिताजी चाहते थे कि मैं पुलिस में जाऊं, अपन तीन बार गए पुलिस स्टेशन वर्दी मांगने। चलो ठीक है, वहाँ पे मेरे को डोबा बोला, बोपा बोला, वेंडा भी बोला, नहीं लिया मेरे को कोई बात नहीं, पर धक्के क्यों दिए? वो क्या कहते हैं कि वो हरासमेंट है, कहीं के वो वरना कहीं हरासमेंट, हरासमेंट है, नहीं नहीं शारीरिक हरासमेंट है। हाँ वही, हाँ वही से। खैर अपन ने अपने खुद के हिसाब से अपनी वर्दी खुद ही सिल ली है। नाम बहुत सिंपल है, सीना है अपना 22, जोर से फुला दूं तो कहीं। हाँ और कमर तो उतनी जितनी रस के कमर। और नजर, नजर तो अपनी चील की भांति है, चील की लेफ्ट साइड वाली। तो भाई शुरू हो गई है कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस। अब किडनैपिंग, बैंक फ्रॉड, लूट, चोरी, मर्डर, इस टाइप का कोई लाइट वेट का लोकल टाइप का मामला हो ना तो अपने बिना रुके सीधे पुलिस के पास चले जाना। और अगर कहीं पे कोई भी संगीन वारदात, जैसे कि गर्मी में पानी नहीं आवे, कोई रातों की नींद चुरावे, या पड़ोसी नहीं देवे भाव, या बीवी खावे ज्यादा ताव, तो आप बेहिचक मदद ले सकते हैं। जब जब भी मेरे देश को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगा। ए दूर दूर, तबार मैं बार चालू, मैं बार निकलू, देखा है दूर। Only on Radio City. On Radio City, ayo re ayo re ayo Joke Studio. कड़क सिंह की खास बातों में आप सब लोग एक बात का खास रूप से ध्यान रख लेना कि अपना सबसे खतरनाक हथियार है अपनी किस्मत। अरे गुलाम है अपने गुलाम, यूं समझो कि अपने चरणों की दासी है दासी। एक बार बस में अपने पास एक ब्यूटीफुल गर्ल बैठ गई, अपन ने तुरंत बोला कि मैडम ये सीट आपकी नहीं हो सकती है। उसने अपना टिकट चेक कराया तो अपनी गलती मान ली। वो बोली कि आप ये बताओ कि आपको कैसे पता पड़ा कि सीट मेरी नहीं है। मेरा मन में बोला कि मैडम अपने को अपनी किस्मत में बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत, कोई मेरे पास अपनी बकरी तक नहीं बैठा हुए, छोकरी कहाँ से बैठेगी। मेरा पड़ोसी है भोपा सिंह, एक दिन परेशान हो रहा था, मैंने पूछा कि मैं जो भी काम चालू करता हूँ उसके बीच में मेरी वाइफ आ जाती है। मैंने कहा कि बीबी तेरे हर काम के बीच में आती है, तू कल से ट्रक चलाना चालू कर दे, किस्मत साथ देगी तेरा। और आप लोगों से भी मैं ये बात शेयर कर लेता हूँ कि किस्मत अच्छी उसी की होती है जिसके पास मीठा आम हो, रिश्तेदार सब रखते काम से काम हो, बिना रिमोट का टीवी हो और खामोश उसकी बीवी हो। और मेरे बारे में तो आपको सबको पता ही है कि किस्मत अपने चरणों की। ए दूर दूर, तबार मैं अबार चालू, मैं अबार निकलू, देखा है Only on Radio City. On Radio City, ayo re ayo re ayo Joke Studio.
तो भाई आज अपने केस की बोनी हो गई है, भेजा है, अरे भेजा मतलब दिमाग नहीं बोल रहा हूँ, सेंड किया है मतलब कि सेंड। हाँ तो ये अपने को केस भेजा है रूप सिंह ने, और साथ में एक नेगेटिव का काम भेजो यार थे, लिखते हैं कि ये मोबाइल कंपनी वालों पे मुझे केस ठोकना है। उन्होंने अपने मोबाइल कहीं लिख रहे रेटिंग तो सही लिख रहे, और उन्होंने अपने मोबाइल के एड में खुद स्वयं रणबीर सिंह से बोलवाया है कि इस फोटो से जो भी सेल्फी आएगी तो किस्मत चमक जाएगी, ये जो फोटो आपके हाथ में है वो इसी मोबाइल के कैमरे से खींचा हुआ है। फेसबुक पे कम से कम 5000 लाइक तो बनते हैं, एक लाइक भी नहीं आया। अरे हाँ याद आ गया अपने को, ये तो पट्टा वही रूप सिंह है जो बचपन में हापड़ता था मतलब कि नहाता था तो पूरे मोहल्ले वाले हाका करते थे कि ये कौन है जो घर के अंदर कोयले की बोरियां धो रहा है। अबे गरम तवे जेट ब्लैक कौवे, चेहरा तो तेरा टेरी ब्लॉसम जैसा है, पर नाम रखा है रूप सिंह। सबसे पहले तू अपना नाम चेंज कर फटाफट, तू तो एक काम कर अपने सीसीटीवी कैमरे से फोटो खींचवा, आज ही चला जा एटीएम के अंदर और फोटो खींचवा। 5000 के 50000 लाइक की गारंटी अपन खुद स्वयं देते हैं, पूरा देश खुश हो जाएगा तेरा फोटो देखने के, कहा कि काला धन वापस आ गया, काला धन वापस आ गया। बात चालू में अब निकलू देखा है कड़क सिंह का आपको हाय, वो भी बिना हाथ उठाए। अरे वो कही है कि अपन के हाथ नहीं उठा सकते हैं, एक बार हाथ उठा दिए थे 1975 में, इमरजेंसी लगानी पड़ी कि भाई सब अपने अपने घरों में रहना, इस कड़क सिंह ने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं। अरे यार अबे अपने थोड़ी बगलों से स्मेल आती है तो इसमें क्या, थोड़ा तो एडजस्ट कर लो यार। खैर मैं अपने इन बगलों का विवरण और ज्यादा आपके सामने बखान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे एक दो लिस्टनर कम हो जाएं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने अपने इस बगलों को अपनी ताकत बना लिया है और हथियार की तरह इस्तेमाल करता हूँ, हथियार की तरह। एक बार पप्पू ने, मेरा फ्रेंड है खास, उसने पूछा कि कड़क सिंह अगर तेरे कोई हाथ बांध दे तो फिर क्या करेगा तू। मैंने बोला पपूड़िया बेटा तो बच्चा है, मैं मुंह तो खोल सकता हूँ ना, जहाँ कोई नहीं लपका वहाँ पहुँचे मेरा खतरनाक भपका। बेटा 24 साल पहले खाई मूलियों का, लहसुनों का, कांदों का, ये जायका और भपका अभी भी मेरे मुंह में तरोताजा है। देख पापुड़िया नीचे धूले के अंदर, अपना फंडा बहुत सिंपल है, बिना वायलेंस सब कुछ साइलेंस। अपने लिए लोग कहते हैं कि जिसके भपकों का निशाना है अचूक, जिसकी बगलें एकदम डेंजरस थिंग, जुर्म को मिटाने आ गया यारो आपकी प्राइवेट पुलिस कड़क सिंह। एक बात हमेशा याद रखना कि आपकी हर मुश्किल का अंतिम द्वार कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस हरदम तैयार। बात चालू में अब निकलू देखा है। Only on हाँ भाई, खड़क सिंह के आने का सायरन सुन लिया ना, तो खड़ा कौन होगा। स्टैंड अप, सुना है आजकल शहर में क्राइम बहुत बढ़ गया, यू नो व्हाट, लोग टेंपल में जाते हैं फॉर सुख शांति ऑफ तन मन, बट वहाँ पे उनको मिलता है टेंपल रन मतलब कि उनकी चंपले बूट इत्यादि गायब हो जाते हैं। लेकिन मैंने भी ठान लिया, कड़क सिंह ने आज कसम खा ली है कि इन चप्पल चोरों से मैं शहर की जनता को निजात दिला के रहूंगा। मैं तो चंपल पहनता ही नहीं हूँ भाई साहब, लॉन्ग शूज बूट लंबे वाले घुटने तक पहनता हूँ। खैर तो अपने जब भी मंदिर पे जाना है तो एक चंपल आप खोलो यहाँ पे और एक चंपल खोलो 50 फुट दूर, चोरों का भले पूरा खानदान लग जाए वो चंपल नहीं हो सकता है, आपके चंपल बूट सेफ। ये करनी तगड़ा आइडिया, तो भाई अपन ने क्या मंदिर के अंदर जाके यही आइडिया
क्या बोलते हैं उसका इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, मतलब कि सब लोगों के चप्पल एक यहाँ पे 50 फुट दूर रख दिए ताकि सेफ रहे भाई। अब लोगों ने मेरे को पकड़ के मंदिर के अंदर घसीटा क्यों? अरे बस खाली इतनी सी मिस्टेक हो गई कि अपने लोगों को बता नहीं पाया कि भाई आपका एक चप्पल यहाँ पड़ा है और एक 50 फुट 60 फुट दूर पड़ा है, इसमें क्या होगा, ढूंढ लो यार, चप्पल चोरी तो नहीं हुआ है, कोई आपकी हेल्प करे तो उसको इस तरह से धुलाई करना कोई अच्छी बात थोड़ी। अपनी आत्मा जानती है कि लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है और इस देश सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगा। अपना तो यही कहना है भाई कि आपकी सभी परेशानियों का अंतिम द्वार कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस हरदम तैयार। अभी भी निकलता हूँ। मैं अब निकलू देखा है भाई, कड़क सिंह के आने का सायरन सुन लिया? खड़ा कौन होगा? स्टैंड अप, यू नो व्हाट, अपने शहर के अंदर क्या है कि लूटपाट की घटना आजकल मेरे कानों में सुनने में आ रही है, ऐसी शिकायतें मेरे को प्राप्त हो रही है। अरे शहर की क्या बात करूं, मेरा दोस्त का जिगरी, मेरा लंगोटिया पपुड़िया रोता हुआ आया मेरे पास, बोला के कड़कू दादा, अरे मैंने कहा नाम तो मत बिगाड़, कड़क सिंह बोल, वो बोले के यार मैं लूट गया यार, मेरे को लूट लिया, पूरे पैसे छीन लिए, 1 रुपया तक नहीं रखा मेरे पास। ओहो, ये सुनते तो अपनी आंखें लाल भम, कानों के अंदर से बिल्कुल ज्वाला निकलने लगी। मैं कहा कौन है ऐसा, किसके अंदर इतनी ताकत है कि इस कड़क सिंह की प्राइवेट पुलिस के इतने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया, बोल नाम बता तो मेरे को उसका, मैं उसकी आधार कार्ड की कॉपी से उसका आधार छीन लूंगा, उसकी गैस की सब्सिडी बंद करा दूंगा। बता पपुड़िया, बता बता बेटा कौन है? पपुड़िया ने मुंडा नीचे किया, बोला कि यार तेरी भाभी है, भाभी, तेरी भाभी ने सारे पैसे ले लिए, मैंने पार्टी के लिए बचा रखे थे, मैंने कहा कि यार वीकेंड आ रहा है तो पार्टी करेंगे, सारे पैसे छुपा के ना उसके पल्लू के अंदर गांठ काटी बांध के रख लिए। मैंने बोला देख भाई पपुड़िया, तू बोले कि शेर के दांत गिरने तो मैं शेर का मुंडा पूरा बाका खोल के अंदर गुजूंगा, टॉर्च लेके सारे दांत गिन लूंगा उसके। तू बोले किसी नागिन के साथ तेरे को ड्यूएट डांस करना है कड़क सिंह, तो मैं उस नागिन के साथ कड़क सिंह डांस कर लेगा उसके साथ, या फिर तू बोले कि इंडिया का काला धन वापिस लाना तो 1 सेकंड में ले आऊंगा मैं। लेकिन बेटा तेरे वहां से पैसे लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, आई एम सो सॉरी। हाँ भाई, खड़क सिंह के आने का सायरन सुन लिया ना, तो खड़ा कौन होगा? स्टैंड अप, मैंने सुना है कि शहर के अंदर आतंक बहुत बढ़ गया है, इतना खराब माहौल, इतना खराब माहौल, डेंजरस बहुत, और इसका जिम्मेदार है नागिन डांस, बरातों में होने वाला नागिन डांस, घोड़ी के सामने बड़काती नागिन है, इस प्रकार के भयावह दृश्यों को अंजाम दे रही है। अरे भले इनके पेट वो तोंदे बाहर आ रही है तो भी नागिन, नागिन का बनने की जरूरत, आपने भाई साहब मेरे को बताओ सच सच कभी तोंद वाली नागिन देखी है? ये बरातों में दिखती है, कितने भावुक हो जाते हैं, लौटते लौटते पता नहीं कपड़ों की तो ऐसी तैसी करते ही है, यातायात की भी करते हैं, पीछे भले गाड़ियां पी पो करे, इन नागिनों को कोई टेंशन नहीं है, कंटिन्यूस डांसिंग। लेकिन एज ए होमो बींग, ह्यूमन बींग, मैं समझ सकता हूँ कि कितनी प्रॉब्लम आती है, आप सबके लिए सोच रहा हूँ मैं, देखो ये बात, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी थोड़ी साइड में दबाओ, भारत के अंदर शामिल होकर 2-4 ठूम के आप भी लगाओ, झटके मटके, और फिर वापस गाड़ी में आके बैठ जाओ, ट्रैफिक शांत हो के नहीं हो, आपका मन शांत हो जाएगा। अपने को बहुत सारे और काम निपटाने हैं अभी, शहर की व्यवस्था के वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है। Only on